हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो हमने कल टॉपिक पढ़ाया था उससे ही संबंधित है, ठीक है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह मनोविज्ञान के आधार पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, इसमें चार ऑप्शन हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन सी सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन डी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो मनोविज्ञान क्या कहता है, बाल मनोविज्ञान क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? पहला ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी है हमारा केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करता है। तो बाल मनोविज्ञान क्या होता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग लगभग एक जैसे ही दोनों होते हैं, ठीक है। बस अध्ययन क्या होता है, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं अंतर क्या है। तो पहला ऑप्शन है अध्ययन पद्धतियों में अंतर होता है, क्षेत्र में अध्ययन अंतर होता है या कार्य में अंतर होता है। ऑप्शन डी हमारा कोई नहीं। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य अंतर किसमें होता है? सिर्फ क्षेत्र में अध्ययन होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो बाल विकास में हमें किसकी पहचान करनी है? गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करनी है। तो आपको पता होना चाहिए विकास जो है वह दो भागों में होता है, ठीक है। पहला होता है परिमाणात्मक, या इसको हम संख्यात्मक भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारा होता है गुणात्मक। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस। वजन जो है क्या होता है? परिमाणात्मक होता है। बाल भी परिमाणात्मक या संख्यात्मक होते हैं, दांत भी संख्यात्मक होते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन क्या है? दृष्टि। दृष्टि क्या होता है? यह गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? तो किस पर बल दिया जाता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन पर बल दिया जाता है। वातावरण तथा अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या ऑप्शन डी है हमारा सभी पर। तो बाल विकास में इन चारों पे बल दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, यानी ऑप्शन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है हमारा, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये हमारा लिखा हुआ व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ऑप्शन सी है हमारा बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास का
पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं, व्यक्ति विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है, विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, क्लियर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाल विकास विज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो विज्ञान शाला यूपी में पूछी गई है, कहाँ है? तो यूपी में हमारी कहाँ है, इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो पहली बाल विकास की विज्ञान शाला खोली गई थी, ये कहाँ खोली गई थी, इलाहाबाद में। और दूसरी हमारी जो विज्ञान शाला खोली गई थी वह लखनऊ में खोली गई थी। फिर इसके बाद इसकी कई शाखाएं बनी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान में क्या पूछा है कि मुख्य केंद्र बिंदु पूछा है। तो ऑप्शन क्या है हमारे, पहला ऑप्शन है विद्यालय, ऑप्शन बी अच्छा शिक्षक, ऑप्शन सी बालक, और ऑप्शन डी हमारा शिक्षण प्रक्रिया। तो बाल मनोविज्ञान में मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है, बालक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के पूर्व जन्म काल से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा किसकी है? तो जो बाल मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन में जन्म पूर्व से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा किसने दी थी, रॉस ने दी थी। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अगर यहाँ पे देख ले, एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि गर्भावस्था से बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करना कहलाए, तक का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा किसने दी थी, क्रो एंड क्रो ने दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो बाल विकास का निर्धारण किससे किया जाता है, ऑप्शन है हमारे बालक की वंशानुगत संरचना द्वारा, बी ऑप्शन है बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचनाओं द्वारा, ऑप्शन सी है बालक संबंधी वातावरणीय प्रभाव द्वारा, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बाल विकास का निर्धारण किससे किया जाता है, बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचनाओं के द्वारा बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो बाल विकास का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन पहला है हमारा बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। बी ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। सी ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। ऑप्शन डी है हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बाल विकास में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किशोरावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, और उसके बाद किशोरावस्था आती है, और बाद में प्रौढ़ावस्था आती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सही क्रम हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी का जो है सही क्रम बता रहा है बाल विकास का। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र या दर्शनशास्त्र? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, मनोविज्ञान जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था, ये किसका था, एक टॉपिक था, किसका, दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक था। और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कब किया गया था, 1880 में किया गया था, एक स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में इसे अलग कब किया गया था, 1880 में। और इसको अलग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, विलियम गुंड। तो यहाँ से हमारे तीन क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। पहला है कि मनोविज्ञान किस विषय का अंग था, तो दर्शन शास्त्र का था, और इसको कब स्वतंत्र विषय के रूप में लाया गया, 1880 में, और सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो ये था विलियम गुंड ने। यहाँ से हमारे तीन क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। और
ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट में कि स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान को कब अलग किया गया था, तो 1880 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलॉक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो हरलॉक ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 5, 4, 8 या 12? तो हरलॉक ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट करती हैं, ये किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है? तो इसमें क्या पूछा गया है कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती हैं विकास के परिणाम स्वरूप, तो ये किसने कहा था, ये कहा था हरलॉक मनोवैज्ञानिक ने। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल मनोविज्ञान आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? परीक्षा के परिणाम में उन्नति, बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक बन जाता है। ऑप्शन सी है हमारा, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन डी है, बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। तो बाल मनोविज्ञान क्या करता है, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।